चैनल में आपका स्वागत है। हम जनता बाजार पर पहुंचे हैं। जनता बाजार पर एक पुतला दहन हुआ है, क्या मामला है, कैसे मामला है, वो मैं उन लोगों से जानूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। अभी आप देख सकते हैं यहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और मामला कुछ ऐसा है, जातिवाद का मामला है और इस मामले में पुतला दहन किनका हो रहा है। यहाँ जो इसका नेतृत्व कर रहे थे उनसे हम जानना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह मामला क्या है। सम्राट अशोक वाली कुछ बातें यहाँ हैं, लोग कह रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि सम्राट अशोक को अभद्र बातें कही गई हैं। कौन कहा है, किस तरह से कहा है, यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं इस चीज़ का, उनसे हम जानना चाहेंगे। चलिए आइए चलते हैं अभी आएंगे। हाँ नमस्कार, पहले सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। शेखर कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव। ये मामला क्या है? मामला जो सम्राट, महान सम्राट अशोक के ऊपर टिप्पणी की गई वही मामला है और हम लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयप्रकाश सिन्हा द्वारा, पत्रकार द्वारा, दया प्रकाश सिन्हा द्वारा जिस तरह का ये आरोप लगाया गया, औरंगजेब से तुलना की गई सम्राट, महान सम्राट अशोक की, वो हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और देश भर में इसकी रत्नाम हो रही है और हम लोग भी यहाँ पे जनता बाजार पर उनके फांसी की मांग करते हैं और सजा की मांग करते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ धरना और प्रदर्शन का काम किया और अभी उनका पुतला दहन करने का कार्य किया। ये कार्य आज ही भर का है या नहीं? आगे भी आंदोलन पूर्ववत जारी रहेगा, आने वाले समय में भी, जब तक इस मांग की आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी आवाज उठाई जाएगी। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का डिमांड है कि उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनसे उनके पदम श्री वापिस लिया जाए उनसे। आप सुन सकते हैं यहाँ उनको एक प्रतिष्ठित पद पर होते हुए वह व्यक्ति अगर किसी जाति या किसी धर्म की बात करता है तो वो अशोभनीय बात है। अभी मैं और लोगों से भी बात करता हूँ जो लोग इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि छपरा सिवान का ये बॉर्डर है, यहाँ पुतला दहन हुआ है। इन लोगों का कहना है कि यह काम जारी रहेगा, जब तक इसकी आवश्यक कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं होती है, प्रशासन द्वारा नहीं होती है, तब तक हम लोग की कार्रवाई जारी रहेगी। आइए चलते हैं और वरिष्ठ लोगों से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर मेरा नाम केबी कुशवाहा। कहाँ से हैं आप? जी महाराजगंज। महाराजगंज से? जी। महाराजगंज में भी ये व्यवस्था आप लोग किया? जी जी, ये महाराजगंज देखिए सिवान जिला छपरा जिला का बॉर्डर है। हम लोग का ग्रुप चलता है सम्राट सेना सिवान छपरा। अच्छा, हम लोग ग्रुप चलाते हैं जिसके जरिए जो भी भारत के महान पुरुष हैं वो खाली एक समाज के, आप भी बोले एक समाज के नहीं है, वो पूरे भारत को अखंड किए, पूरे एशिया पे राज किए, वो प्रियदर्शी कहलाए, चक्रवर्ती कहलाए, महान कहलाए, द ग्रेट अशोका कहलाए, जिसके जैसा ना दुनिया में पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा। और उसकी तुलना, महान सम्राट अशोक की तुलना क्रूर अत्याचारी शासक औरंगजेब के साथ करना, एक लेखक हैं, इनको पद्मश्री मिला है तो भारत में पद्मश्री का औकात इतना रह गया है कि गजेरी चर्सी को भी पद्मश्री मिल जा रहा है। तो इसलिए हम ज़्यादा तुल उनके पद्मश्री को नहीं दे रहे हैं। क्या मांग करना मांग करते हैं कि उनका पद्म श्री वार्ड वापस हो और उन पर उचित कार्रवाई है और यहाँ समाज में इनका बहुत योगदान रहा है, इस पर इनकी क्या टिप्पणी है, ये क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुशील कुमार कुशवाहा, लहलातपुर घर हुआ, दंदासपुर पंचायत हुआ। अब इससे दूसरा क्या परिचय है? ये सम्राट अशोक के बारे में भद्दी टिप्पणी की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत गलत टिप्पणी की गई है और जो टिप्पणी किया है उसका मौत भी अगर सजा दिया जाए वो भी कम है। उसको सजा इस ढंग से दिया जाए ताकि इसके मौत से वो और लोगों का लेखक का सबक मिले। हालांकि पद्मश्री इनको मिला है, लोग ऐसे भी मांग कर रहे हैं कि पद्मश्री इनका वापस होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री नहीं मिला चाहिए, इस पर क्या कहना है?
इन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। इसको तो इस तरीके से कि खड़ा करा करके चौराहे पर अंग अंग इसको छील देना चाहिए, तब इसको चिता पर ले जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है, यहाँ लोगों में आक्रोश है। सम्राट अशोक जिसको लोग भगवान मानते हैं उसके बारे में गलत टिप्पणी करना। एक और यहाँ आदमी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राहुल मेहता, बजरंग दल, प्रांत संयोजक। ये जो घटना हुई है, जिस घटना के चलते यहाँ आक्रोश व्याप्त है, ये आक्रोश 2-3 दिन तक चलेगा ऐसा वरिष्ठ नेताओं से हमने बात की तो पता चला। इस पर आपका क्या टिप्पणी होगा? नहीं, आक्रोश तो वाजिब है। देश के, भारत के महापुरुष के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी, मुझे लगता है कि औरंगजेब का वंशज ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जो औरंगजेब का वंशज हो, वैसे लोगों को इस देश में, इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो या तो उसको देश निकाला किया जाए, नहीं तो फांसी की सजा दी जाए। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? हम तो यही मांग करेंगे कि उसको पहले सीधे फांसी की सजा दी जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि नवभारत टाइम्स में जिस तरह दया प्रकाश सिन्हा ने जो टिप्पणी किया है और जो शब्द का चयन किया है, उस तरह का हमको कहने में भी शर्म आ रहा है। और ये ऐसा शब्द का प्रयोग शायद एक लेखक नहीं कर सकता है, मगर किस मानसिकता से, किस उद्देश्य से इस तरह का टिप्पणी की गई है। इस तरह का टिप्पणी जो एक महान प्रियदर्शी, महान भारत के, एक अखंड भारत के सूत्र में बांधने वाले व्यक्ति के संदर्भ में इस तरह की बात कही गई है, यह घोर निंदनीय है। और यह राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में महान अशोक को जाना जाता है, ऐसे जिसकी पहचान भारत के, भारत की पहचान जिसके नाम से, जिसके प्रत्यक्ष चिन्हों से किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में एक आदना सा लेखक अगर टिप्पणी करता है तो यह हमारे भारत के लिए, ये सब के लिए शर्म की बात है। और ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह की मुकदमा चलाकर उसके जो पद्मश्री का तथा अन्य अवार्ड मिला है उसको वापस लिया जाए, और साथ ही उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। मौजूद हैं, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कुशवाहा राजबल सिंह, जयदेव के प्रदेश के महासचिव हैं। और ये जो कुकृत्य किया है, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री एक जिम्मेवार व्यक्ति को मिलता है, लेकिन वैसे पद्मश्री पा करके ऐसा टिप्पणी करना कहाँ तक जायज है, इस पर आप? ये दया प्रकाश सिन्हा जो हैं, इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला, देश ने इनको सम्मान दिया, लेकिन ये लेखक जो हैं, इनकी कृति जो है एकदम घटिया है, और इनको, इन्होंने कुकृत्य किया है, इसलिए पूरा देश जो है इनके खिलाफ है। क्योंकि सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक हैं, वो ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने पहली बार पूरे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधा, उनके पहले किसी सम्राट ने नहीं बांधा था। और ये महात्मा बुद्ध के शांति संदेश पूरे विश्व में इन्होंने फैलाया। अशोक स्तंभ और अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक है, और दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक का तुलना औरंगजेब से करके देश का अपमान किया है।